तो स्वागत है आप सभी के नए वीडियो में। आप थंबनेल और टाइटल समझ चुके होंगे कि वीडियो किस बारे में। तो उससे पहले एक आपको डिस्क्लेमर देना चाहते हैं कि ये जो भी हमने कट ऑफ निकाला है, ये इसके पहले हमने क्या किया था कि एक गूगल फॉर्म निकाला था जो कि हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे सर्कुलेट किया था, व्हाट्सएप ग्रुप से सर्कुलेट किया था ताकि जितने भी एस्पिरेंट्स थे, हमने इनफैक्ट एक शॉर्ट भी डाला था ताकि आप लोग अपने रिस्पॉन्सेज भर सको कि आपको किस कितने मार्क्स पे कौन सी ब्रांच मिली है। और उस चीज़ों को, उस गूगल फॉर्म को हमने एनालाइज किया अच्छे से और उसके बाद हमने ये कट ऑफ निकाला है। तो मे बी कट ऑफ में एक दो नंबर का चेंज हो सकता है, तो अगर आपको वो चेंज दिखे तो आप कमेंट सेक्शन में फ्री होके बताइए कि इसमें थोड़ी सी चेंज है, मेरी इतने मार्क्स पे इतनी चीजें मिल चुकी थी, ताकि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो जाके कमेंट सेक्शन भी चेक कर लें अगर कुछ चेंजेस है तो। ठीक है, तो बिना आपका टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं और कट ऑफ देखना शुरू करते हैं कि कैसी कट ऑफ गई है इस बार की। ठीक है, और उससे पहले एक और चीज ये है कि जैसा कि लोग बता रहे थे बहुत लोग कि एडवांस से कट ऑफ बढ़ा है इस बार ड्रास्टिकली, तो बिटसेट का भी कट ऑफ बढ़ेगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि बिटसेट का इस बार का पेपर थोड़ा रिलेटिवली टफ था। अब ऑब्वियस चीज है कि सेम पेपर अगर आप दे रहे हो बट अगर आप थोड़ा टफर पेपर दे रहे हो तो उतने मार्क्स लाना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है, इसलिए कट ऑफ थोड़ी गिरी है, जो कि नेचुरल चीज है। ठीक है, तो अगर हम कट ऑफ की बात करें, सबसे पहले कट ऑफ देखते हैं सीएससी ब्रांच की, ऑब्वियसली सबकी उसी पे नजर रहती है। ठीक है, तो पिलानी सीएससी कट ऑफ गई है 331, गोवा की गई है 300, हैदराबाद की गई है 291। अगर इसी की बात की जाए, जो सीएससी के बाद प्रीफर्ड ब्रांच होती है लोगों की, उसमें पिलानी की कट ऑफ गई है 298, गोवा की गई है 278 एंड हैदराबाद की गई है 272। अगर ट्रिपल ई की बात की जाए तो पिलानी कैंपस की गई है 277, गोवा कैंपस की गई है 263, हैदराबाद 260। अगर ईएनआई की बात की जाए तो ईएनआई में पिलानी कैंपस 270, गोवा कैंपस 254, हैदराबाद कैंपस 254, दोनों का इक्वल है। ठीक है, अगर मैकेनिकल की बात की जाए तो मैकेनिकल में पिलानी की मैकेनिकल की कट ऑफ गई है 250 मार्क्स, गोवा की मैकेनिकल की कट ऑफ गई है 240 मार्क्स, हैदराबाद की मैकेनिकल कट ऑफ गई है 227 मार्क्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ठीक है, केमिकल की कट ऑफ की अगर बात की जाए तो केमिकल की कट ऑफ गई है पिलानी कैंपस में 228 मार्क्स, गोवा में गई है 217 मार्क्स एंड हैदराबाद की कट ऑफ गई है 214 मार्क्स। अगर सिविल की बात की जाए तो सिविल ब्रांच आप देख सकते हैं, गोवा में सिविल ब्रांच है ही नहीं, तो सिविल ब्रांच पिलानी की कट ऑफ गई है 220 मार्क्स, गोवा में वो ब्रांच है नहीं एंड हैदराबाद में 212 मार्क्स। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात की जाए तो मैन्युफैक्चरिंग की कट ऑफ गई है पिलानी कैंपस में 225 मार्क्स, मैन्युफैक्चरिंग ब्रांच भी गोवा में नहीं है और हैदराबाद कैंपस की कट ऑफ गई है मैन्युफैक्चरिंग की 210 मार्क्स। अगर हम ऐसे इकोनॉमिक्स की बात करें, अगर डुअल डिग्री पे आते हैं हम लोग की, डुअल डिग्री बहुत लोग प्रेफर करते हैं ताकि सीएस मिल जाए, अच्छी ब्रांच मिल जाए, तो उस केस में एमएससी इकोनॉमिक्स की जो कट ऑफ गई है इस बार वो भी बहुत गिरी है। पिलानी कैंपस की जो एमएससी इकोनॉमिक्स की कट ऑफ है वो 258 गई है पहले इटरेशन में, गोवा की गई है 247 एंड हैदराबाद की गई है 243। अगर एमएससी मैथ्स की बात की जाए तो एमएससी मैथ्स में पिलानी की कट ऑफ गई है 240, गोवा की कट ऑफ गई है 225 एंड हैदराबाद की कट ऑफ गई है 225, दोनों इक्वल है। एमएससी फिजिक्स की अगर बात की जाए तो पिलानी कैंपस की कट ऑफ गई है 237, गोवा की गई है 226 एंड हैदराबाद की गई है 222। अगर एमएससी केमिस्ट्री की बात की जाए तो एमएससी केमिस्ट्री में पिलानी कैंपस की कट ऑफ गई है 220, गोवा की कट ऑफ गई है 209 और हैदराबाद की कट ऑफ गई है 207। अगर इसके बाद आते हैं जो लास्ट लोग प्रेफर करते हैं एमएससी बायोलॉजी डुअल डिग्री में, तो बायोलॉजी कट ऑफ गई है 213, गोवा की कट ऑफ गई है 207 एंड हैदराबाद की कट ऑफ गई है 206। ठीक है, अब एक और ब्रांच होती है बिट्स पिलानी में बी फार्मा, जो कि गोवा कैंपस में नहीं है, तो बी फार्मा ब्रांच की अगर आप कट ऑफ देख सकते हो तो बी फार्मा की कट ऑफ पिलानी कैंपस की गई है 178 मार्क्स एंड हैदराबाद कैंपस की गई है 152 मार्क्स। ठीक है, तो ये रहा है इस बार का 2023 बिटसेट के पहले इटरेशन का रिजल्ट, जो कि अराउंड तो सही होगा क्योंकि बच्चों के ही रिस्पॉन्सेज से हमने ये कट ऑफ निकाला है। इसके बाद भी हम आपको वापस रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आपको कुछ चेंजेस दिख रहे हैं इस कट ऑफ में तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए ताकि बाकी लोगों का भी हेल्प हो सके, और आप नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में से जाके टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन करिए ताकि उसके बाद जो अगले इटरेशन में गूगल फॉर्म भरने का मौका मिले तो आप भी जल्दी से गूगल फॉर्म भर पाओ ताकि हम और एक्यूरेसी को हिट कर पाए, है ना। अगले राउंड का जो हम कट ऑफ निकालेंगे उसमें हम और ज्यादा एक्यूरेट हो पाए और आप अच्छे अच्छे मतलब ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में आप इजिली उधर से आप लिंक लेके एंटर कर पाओगे ताकि अपने पीयर ग्रुप से आप ऑलरेडी मिल पाओगे। ठीक है ना, आप लोगों से डिस्कस कर पाओगे कि अगर आपकी सीट कंफर्म हो गई है तो क्या लेके जाना है, कॉलेज कौन से कैंपस में जा रहे हो, जो भी है दोस्ती कैंपस आने से पहले ही बना लोगे आप, तो वो सब चीजें हैं यहाँ पे, तो आप ज्वाइन कर लो टेलीग्राम ग्रुप। और इसके साथ साथ आपको ऑल द बेस्ट अगले इटरेशन के लिए। आशा करते हैं कि जो भी आपने मन में सोचा होगा कि ये ब्रांच मेरे को मिल जानी चाहिए वो हो सकता है इस बार मिल जाए, क्योंकि पुराना जो कट ऑफ था उससे बहुत ज्यादा कट ऑफ डिक्रीज हुआ है। पुराना कट ऑफ आपको जानना है तो यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पुराना कट ऑफ ये गया था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे के राउंड्स के रिजल्ट आपको मालूम चलते रहेंगे। इसके साथ साथ वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों को, वीडियो को लाइक करो और माँ बाप से अपने प्यार करो और